हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं बीरेन सिंह राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंडीशनल सेंटेंस सीखेंगे। कंडीशनल सेंटेंस का अर्थ है शर्त सूचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनमें कोई शर्त प्रकट की जाती है। तो ये देखिए हम कैसे पहचानेंगे। तो इनमें क्या है, यदि वह आएगा तो मैं उसे अपना पेन दूंगा, यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा, यदि वह असफल हो जाएगा हो यदि तुम असफल हो जाओ तो तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए, यदि तुम बीमार हो तो तुम्हें आराम करना चाहिए, यदि वह तेज दौड़ेगी तो वह तुम्हें हरा सकती है। तो ये पांच सेंटेंस लिखे हुए हैं आपके सामने। तो देखिए हमें क्या याद रखना है इसमें, जिन वाक्यों में गा आएगा, क्या है दोनों वाक्यों में अंत में क्या हो, गा हो, क्या हो, गा हो, यानी दोनों ही वाक्य किसके हों, फ्यूचर के हों, तो यदि वाले क्लॉज को हम लोग प्रेजेंट में रखते हैं। किसमें रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे इसको, किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखिए यदि वह आएगा तो मैं उसे अपना पेन दूंगा, तो यदि वह आएगा तो इफ, क्या इफ वह की ही, किसमें बनाएंगे इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसमें फ्यूचर में तो फ्यूचर में बनाएंगे, जैसा देगा दिया हुआ वैसे ही बनाएंगे। यदि वह आएगा इफ ही कम्स कॉमा तो मैं उसे अपना पेन दूंगा, आई सेल गिव उसे ही हिम, किसका पेन, अपना, अपना आई के लिए माई पेन। आपकी समझ में आया होगा, याद रखना है क्या कि दोनों ही वाक्य किसमें होंगे, फ्यूचर में होंगे, तो जो यदि वाला या जब वाला क्लॉज होगा, अगर यदि कुछ भी आया होगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, और इसको किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा, ये भी सेम है कि नहीं, तो इसमें भी सेम रहेगा, यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तो इफ इफ आई गो टू योर विलेज, क्लियर है, यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई इफ आई का आई जाना का गो, आई के साथ आई को प्लूरल मानते हैं इसलिए फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू योर विलेज मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा, तो आई आई के साथ क्या आता है, सेल, आई सेल मिलना की मीट या सी, आई सेल मीट तुम्हारे पिताजी की, योर फादर, आई सेल मीट योर फादर। तो दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य देखिए, यदि तुम असफल हो जाओ तो तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए, तो ये दूसरा वाक्य, यदि तुम असफल हो जाओ किसमें, प्रेजेंट में, तो ये प्रेजेंट में बनेगा, और ये तो तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए, जिसमें आया उसी में बनाएंगे इसको, तो यदि तुम असफल हो जाओ तो इफ यू फेल कॉमा तो या तब आएगा, उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, तो तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए, तुम्हें की क्या हो जाएगी, यू चाहिए के लिए शुड, यू शुड ट्राई फिर से की अगेन, यू शुड ट्राई अगेन, तुम बीमार हो तो तुम्हें आराम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तुम्हें आराम करना चाहिए, तो ये क्या है, यदि तुम बीमार हो तो ये कैसा है, ये इसको कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट में बनाएंगे, इसको जिसमें दे रखा है उसी में बनाएंगे, याद रखें आप, जब गागी के होगा तो इसको फ्यूचर में बनाएंगे और उसको इंडेफिनिट में बनाएंगे, यदि तुम बीमार हो तो तुम्हें आराम करना चाहिए, तो इफ तुम की यू सिंपल है, तो आर बीमार की इल या से इफ यू आर सिक और इल तो तुम्हें आराम करना चाहिए, यू शुड टेक रेस्ट। ठीक है, यदि वह तेज दौड़ेगी तो वह तुम्हें हरा सकती है, तो ये किसमें बनेगा, इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट में, इफ सी रन्स तेज की फास्ट कॉमा
तो वह तुम्हें हरा सकती है। सी कैन, एबिलिटी की बात हो रही है, पावर की। सी कैन बीट यू, सी कैन बीट यू। देखिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि एग्जांपल है, यदि तुम कमजोर हो तो तुम्हें कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, नेगेटिव है। तो देखिए, इफ कमजोर हो तो यू आर, इफ यू आर वीक, ये सिंपल है तो सिंपल बना देंगे। तो के लिए कॉमा, तुम्हें कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, तुम्हें कि यू शुड नॉट वर्क, क्या हो जाएगा, इफ यू आर वीक यू शुड नॉट वर्क हार्ड। दूसरा देखिए, जब तक कठिन परिश्रम नहीं करोगे, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम परीक्षा पास नहीं कर सकते हो। तो ऐसे वाक्य जब तक के लिए हम क्या लगाते हैं, अनलेस, और समय के लिए अंटिल लगाते हैं, क्या, अनलेस। और अनलेस वाले उपवाक्य में हम लोग नॉट नहीं लगाते हैं, क्योंकि अनलेस का अर्थ ही नेगेटिव है। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, जो अनलेस वाला वाक्य है वो किसमें बनेगा, प्रेजेंट में, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा, तब तक के लिए कॉमा, यू तुम परीक्षा में पास नहीं हो सकते, यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन। मैंने आपको बोला दूसरा क्लाउज जिसमें होगा उसी में बनाएंगे, क्लियर है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास द एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं अनरियल पास्ट की, यानी ऐसा भूतकाल की स्थिति का, किसका, भूतकाल की स्थिति का, अनरियल पास्ट का। यदि मैं राजा होता तो मैं तुम्हें अपना मंत्री बना लेता, तो क्या ऐसा है, नहीं है और ना ही हो सकता है। तो कैसा है, अनरियल पास्ट है, अवास्तविक भूतकाल है। तो इस वाले, इस प्रकार के वाक्यों में आपको याद रखना है कि जब नॉन एक्शन आएगा, क्या आएगा, नॉन एक्शन आएगा, तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, क्या करेंगे, वर, और दूसरे में, दूसरे के साथ, दूसरे क्लाउज के साथ वुड, क्या लगाएंगे, वुड, ठीक है। तो देखिए, यदि मैं राजा होता, इफ आई वर, इफ आई वर अ किंग, क्या, इफ आई वर अ किंग, तो मैं तुम्हें अपना मंत्री बना लेता, क्या मैं राजा हूं, नहीं, क्या हो सकता हूं, नहीं, तो मैं तुम्हें अपना मंत्री बना लेता, आई, इसके साथ क्या आएगा, वुड, आई वुड मेक यू, आई वुड मेक यू माई मिनिस्टर, माई मिनिस्टर, ओके, क्लियर। याद रखें आप, जब नॉन एक्शन आएगा तो इसके साथ वर्ब आएगा, दूसरे क्लाउज में वुड आएगा, क्लियर। और जहां वर्ब एक्शन आएगा वहां वुड हैव आएगा, क्या आएगा, इसमें हेड आएगा और इसके साथ वुड हैव आएगा। जैसे देखिए, अगर विनोद एक पक्षी होता तो वह उड़ जाता, क्या विनोद एक पक्षी, नहीं, तो अनरियल पास्ट है। इफ, ये भी सेम है ऊपर वाले की तरह, इफ विनोद, सिंगुलर के साथ भी क्या आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, इफ विनोद वर आ वर्ड, तो वह उड़ जाता, तो ही वुड फ्लाई, क्या हो जाएगा, ही वुड फ्लाई, दूसरे क्लाउज में क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता। अब देखिए, जब दोनों में एक्शन आए, कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता, तो इसमें भी एक्शन, जब दोनों में एक्शन आएगा तो इफ वाले क्लाउज में, इफ वाले क्लाउज को पास्ट परफेक्ट फॉर्म बनाएगा, और दूसरे वाले क्लाउज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, किसका, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का। यदि मोहन कठिन परिश्रम करता, इफ मोहन हैड वर्कड हार्ड, क्या हैड आएगा इफ वाले क्लाउज में, कब, जब इसके साथ एक्शन आया, क्रिया आएगी, तो अनरियल पास्ट में, इफ मोहन हैड वर्कड हार्ड, मोहन ने कठिन परिश्रम पास नहीं किए, यानी मोहन ने कठिन परिश्रम किया नहीं इसलिए पास नहीं हुआ, इफ मोहन हैड वर्कड हार्ड कॉमा, तो वह पास हो जाता, कौन, मोहन, ही वुड हैव पास्ड,
क्लियर है, यानी इसमें वुड के साथ हैव आएगा जब इसमें एक्शन दे रखा होगा, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, क्लियर है। और जब पैसिव होगा तो उसमें वुड हैव बीन का यूज होगा। देखिए क्या है हमारा सेंटेंस, यदि सरदार पटेल का देहांत ना होता तो कश्मीर समस्या हल हो जाती। तो क्या कश्मीरी समस्या हल होगी? नहीं। इफ इफ सरदार पटेल पटेल हैड नॉट डाइड, ठीक है, हैड आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, तो कश्मीर समस्या हल हो जाती। कश्मीर प्रॉब्लम, क्या आएगा इसके साथ? कश्मीर प्रॉब्लम वुड हैव बीन, पैसिव में क्या आएगा? वुड हैव बीन, कश्मीर प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व्ड, क्या हो जाएगा? कश्मीर प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व्ड, क्लियर। यानी जब ये अनरियल पास्ट पैसिव में होगा तो वुड हैव के साथ बीन का यूज होगा, क्लियर है। इफ सरदार पटेल हैड नॉट डाइड कश्मीर प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व्ड, देखिए यदि वह डॉक्टर को बुला लेता तो वह नहीं मरता, तो क्या वह मरा नहीं है? मर गया साहब, यानी ये अनरियल पास्ट है। तो मैंने आपको बताया कैसे करें, यदि वह डॉक्टर को बुला लेता तो उसने बुलाया नहीं है, तो इफ वाले क्लाउज में क्या आएगा? इफ वह डॉक्टर को बुला लेता, इफ ही के साथ क्या आएगा? हैड, इफ ही हैड कॉल्ड, इफ ही हैड कॉल्ड द डॉक्टर तो वह नहीं मरता, तो वह नहीं मरता, ही वुड नॉट, ही वुड नॉट हैव डाइड, ही वुड नॉट हैव डाइड। तो इफ की जगह हम लोग जो इफ लगा रखा है, इफ को हटाकर हम हैड भी लगा सकते हैं, ऐसे करके हैड ही कॉल्ड द डॉक्टर ही वुड नॉट हैव डाइड, ही वुड नॉट हैव डाइड, ही वुड नॉट हैव डाइड, दोनों ही सही है। ये हैड भी इफ का अर्थ रखता है यदि यह पहले यूज हो जाए। तो दूसरा देखिए, यदि तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, ये ऐसा हो सकता है। तो मैंने आपको बताया इसको किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट में, और इसको जिसमें दे रखा उसी में। इफ यू स्पीक द ट्रुथ तो तुम्हें, यदि तुम सच बोलोगे तो तुम्हें, दो बार लिख गया है, तो तुम्हें इनाम मिलेगा, तो यू विल गेट अ प्राइज, यू विल गेट अ प्राइज। तो देखिए जो आपने इफ वाला केस देखा था, ऐसे ही इफ की जगह हम इसमें शुड भी यूज कर सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? शुड, शुड यू स्पीक द ट्रुथ You will get a prize. You will get a prize. तो देखिए ये दोनों वाक्य 14 और 15 आपके लिए हैं। आप इन्हें कमेंट बॉक्स में लिखते हैं इनके आंसर, हम इन्हें चेक कर लेंगे। और भी कुछ दो चार वाक्य बचे हैं इस प्रकार के कंडीशन, वो अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड नाइट।